हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मैथ फोबिया। जिसके जो पहले की वीडियो थे उसमें हमने एक लिमिट का टॉपिक किया था, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेसिकली वो कौन कौन से हैं और उनको यूज उनको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल को यूज कैसे करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल है क्या, तो वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में जस्ट आई एम गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, तो मैंने लिया है यूज एल हॉस्पिटल रूल टू इवेल्युएट दिस फंक्शन एज टी गोज टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस। तो आप ये देखो कि जैसे आप टी गोज टू इन्फिनिटी, बेसिकली हमारे कौन सा फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिट टाइम्स जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जीरो बाय जीरो के फॉर्म में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट दिस गोज टू इन्फिनिटी, हमने एल एन हमने एज इट इज रखा और क्या किया, हमने टी को लिख दिया वन बाई टी। ठीक है, तो अब ये किस कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इजिली जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एल हॉस्पिटल रूल। हमने डिफ्रेंशिएट किया न्यूमरेटर को, तो क्या आएगा आपका वन प्लस थ्री बाई टी, यानी लॉग लॉग एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स। और अब ये पूरा जो फंक्शन है वन प्लस थ्री बाई टू सॉरी थ्री बाई टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया माइनस थ्री बाई टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस सॉरी वन बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया आपका लिमिट, ये हो जाएगा आपका बेसिकली थ्री अपॉन वन प्लस दिस एंड दिस इज इक्वल टू थ्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो थ्री टू द पावर एक्स माइनस टू टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बेसिकली आप ये देखो जीरो बाय जीरो का फॉर्म है। अगर हमने पुट किया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो बेसिकली कहाँ को टेंड कर रहे हैं, दिस थ्री माइनस दिस अपॉन बेसिकली वन माइनस वन अपॉन, ये आपके जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। तो अब इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो बेसिकली क्या आएगा आपका थ्री टू पावर एक्स एल एन थ्री, और डिनोमिनेटर सॉरी दिस एल एन टू अपॉन डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो दिस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थ्री टू पावर जीरो टू टू पावर जीरो अपॉन माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू एल एन टू माइनस दिस, या इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, द थर्ड प्रॉब्लम इज दिस। तो ये प्रॉब्लम भी आप देखो जीरो बाय जीरो का ही फॉर्म है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो तो ऊपर तो जीरो हो गया, क्योंकि टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है और ये टेन जीरो जीरो। तो बेसिकली ये दिस इज इक्वल टू, हमने क्या किया एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लिया ई टू पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन, तो न्यूमरेटर को फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका टू टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू हम जीरो कर रहे हैं, तो ये अगेन जीरो बाई जीरो का ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि नीचे जीरो आएगा आपका, क्योंकि टेन एक्स है तो यहाँ पर टेन जीरो जीरो, तो नीचे जीरो हो गया आपका, ऊपर भी आपका, दोनों में एक्स का मल्टीपल है तो ये जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा। तो अगेन अप्लाई करेंगे हम एल एच रूल, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस टू एक्स दिस प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए टू एक्स ई टू पावर एक्स को, ये आएगा आपका अपॉन न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ आपका टू टेन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड लिया तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका टू टेन एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को करेंगे तो टू सेक एक्स टेन एक्स और सेक सॉरी टू सेक एक्स और सेक एक्स को अगेन किया तो टू सेक
टेक एक्स टेन एक्स, तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू ए टू द पावर एक्स अपॉन फोर, ये हो गया आपका फोर टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक टू द पावर फोर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टू ए टू द पावर जीरो. एक्सटेंडिंग टू जीरो लिमिट पुट किया तो बेसिकली आगे टू बाई टू विच इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू वन. द फोर्थ वन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फाइव टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू. बेसिकली ये भी हमारा जीरो बाई जीरो ही फॉर्म है. यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हमने किया, तो यहाँ पे आप उसको न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा आपका दिस, क्योंकि आपका डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या होता है दिस इज दिस. ठीक है, और माइनस वन का तो जीरो हो गया आपका, और नीचे इस रूट ऑफ फोर प्लस एक्स तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू फोर प्लस एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, माइनस टू का जीरो एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू द पावर एक्स देन फाइव. यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर प्लस वन बाई टू और नीचे आपका है वन बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू, जैसे हमने जीरो पुट किया तो फाइव टू द पावर जीरो तो वन हो गया, यहाँ पे सिर्फ होगा एल एन फाइव और यहाँ फोर टू द पावर वन बाई टू तो ये आ गया बेसिकली टू और नीचे है आपका वन बाई टू, उसको जब सिंप्लीफाई किया तो बेसिकली आ जाएगा आपका फोर एल एन फाइव. इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स वाले प्रॉब्लम भी है. बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कुछ फॉर्मूलाज भी है जिसका कि हम डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली है ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन दिस, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए. इसलिए और भी है बहुत सारे फॉर्मूले जिनका कि हम डायरेक्टली यूज करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजी सॉल्व कर सकते हो आप. तो जैसे अब ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व, इसको आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो. जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है और आप इसे इजिली डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा. बट मोस्टली क्या करते हैं कि ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जिनका आप यूज करके डायरेक्टली बहुत ही इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि आप देखो ये वाला सेवन्थ वाला प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, हमें इस कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में, ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ए. ये आपका थ्री टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर है, देख सकते हो, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो इसे हमने लिख लिया लिमिट किया एक माइनस वन किया प्लस वन किया अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा आपका थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो गया दूसरा आपका टू टू द पावर दिस बाई एक्स का स्क्वायर को हमने. अब डायरेक्ट आप ये यूज कर लो तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन उसकी लिमिट क्या हो जाएगी एल एन थ्री, ठीक है, और दूसरे की हो जाएगी एल एन टू उसका होल स्क्वायर, तो बेसिकली इसे आप लिख सकते हो एल एन थ्री बाई टू का होल स्क्वायर. तो ये तो हो गया, एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करना चाहते हो तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिनका यूज करके भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिफरेंस, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करो, बट इनके कुछ केसेस में ऐसा क्या होता है कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो वहाँ पे आप ये सब फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Okay, bye. See you in the next video and thanks for watching.